वैज़लीन वेन प्रेजेंट स्टार एंकर हंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रू और आज हमारे साथ हैं ये छह कंटेस्टेंट्स। नहीं, एक्चुअली हमारे छह विनर्स। कंग्रेचुलेशन देन। यहाँ पर एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हमारे जजेस को फैसला लेने में मुश्किल ना आई हो। तो आज देखना ये है कि हमारे ये छह काबिल और धुरंधर कंटेस्टेंट्स और फाइनलिस्ट क्या वाकई एक बार फिर जजेस को दुविधा में डालेंगे या नहीं। इट्स ओवर टू यू जजेस नाउ। आज का टास्क कौन सा है? व्हाट शुड बी द टास्क टुडे? शुड बी द हार्डेस्ट टास्क? नो, आज सबसे मुश्किल होना चाहिए। प्लीज बताइए हमारा टास्क क्या है जो आज हमें करना है। आज का टास्क जो कि बहुत ही मुश्किल है, आज आपके लिए कोई भी टास्क नहीं है। मैम आई एम श्योर ये कुछ न कुछ मजाक है इसमें। टुडे यू हैव टू डू नथिंग एंड स्टिल इम्प्रेस द ऑडियंस। सर अगर टास्क नहीं होगा तो ग्रैंड फिनाले का जजमेंट कैसे होगा? हमारे हिसाब से आप सभी इतने अच्छे हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, पर फिलहाल हम ये देखना चाहेंगे कि आप सबका आज तक का सफर कैसा रहा। आपकी पूरी जर्नी है, आपका रिपोर्ट कार्ड है। पहले दिन आप क्या थे, दूसरे दिन कैसे बदले, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, सब कुछ। और इसी से जज किया जाएगा कि ओवरऑल पैकेज किसका अच्छा है। आज के पहले कंटेस्टेंट हैं अक्षय शुक्ला। बताइए क्या कैसा रहा आपका सफर। लेकिन चेतन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, अपने इस सफर को कितने प्रभावी ढंग से ये लोग बताते हैं, कितना इनपुट उसमें होता है, कितने इमोशंस उसमें होते हैं, कितना एनर्जी लेवल उसके अंदर होता है, ये सब देखा जाएगा। ये भी अपने आप में टास्क। शुरुआत की जाए तो मैं एक छोटे से शहर बिलासपुर से हूँ छत्तीसगढ़ के। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वो छत्तीसगढ़ का भाग है। अभी भी कुछ लोग पूछते हैं मध्य प्रदेश का। लोगों की सोच ये होती है कि यार हम ऐसे शहर से हैं, हमें वो तवज्जो नहीं मिलेगी। हमें मेट्रो के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सामने हम अब क्या फाइट करेंगे। एक कॉन्फिडेंस जो है मेरे अंदर हमेशा रहा कि नहीं मैं अच्छा करूंगा और ये प्रूव करूंगा कि ये शहर वहर कुछ नहीं होता है। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बात होने चाहिए। फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा स्टार एंकर हंट हो रहा है, मैंने इसके एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में भरी और उसके बाद मुझे जब ये मिला था 4494, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा। तैयार हैं आप अपने रिपोर्ट कार्ड के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं अक्षय शुक्ला। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारतीय क्रिकेट स्टार हरभजन सिंह से जुड़ी हुई। दिल्ली की एक पार्षद के पति का पुलिस वालों से भिड़ना महंगा पड़ा। भोपाल गैस कांड में बड़ा खुलासा, राज्य सरकार ने बचाया था एंडरसन को। कैसा लगा? यहाँ आया था तो कुछ लोग मुझे जंगली कहते थे, वहाँ से लेकर आपके क्यूट कहने तक का सफर बड़ा अच्छा लगा। हम एक एंकर चुन रहे हैं जो लाखों दर्शकों के बीच, करोड़ों दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाएगा। एक बात बताओ अक्षय, इस रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद मैं तुम्हें क्यों स्टार एंकर बनाऊं? सर इन 15 दिनों में मैंने जो सीखा है वो आपको साफ दिखाई देता है। मेरी जो लर्निंग एबिलिटी है जो एक एंकर में हमेशा होनी चाहिए वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी चीज कि मुझमें वो क्षमता है कि अगर कोई पैनिक सिचुएशन है उसको मैं आराम से कूल एंड काम होकर हैंडल कर सकूं। खबर के लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक एंकरिंग, न्यूज एंकरिंग वो चीज है जिसके लिए मैं हर चीज छोड़ने को तैयार हूं। और अब अगली कंटेस्टेंट जिनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा वो है पल्लवी त्यागी। तो पल्लवी जी सर, कैसा रहा? स्कूलिंग से अगर शुरुआत करूं तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहता था, डिबेट्स, डेक्लामेशंस। मुझे नहीं लगा कि मैं इसे छुपाऊं, कि मैं कमजोर थी, कमजोर नहीं थी, इंटेलिजेंट थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया पढ़ाई की तरफ, खेल कूद में बहुत ज्यादा ध्यान था। मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं मास कम्युनिकेटर हूं और एक उद्देश्य के साथ यहां पर हूं। तो जब स्टार एंकर हंट का प्रोमो मैंने टीवी चैनल पर देखा, दिल से यही आवाज आई कि ये मेरे लिए है। यहां तक पहुंच के मैं काफी हद तक संतुष्ट हूं। चलिए तो आपका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। तैयार हैं आप? बिल्कुल मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में और मैं हूं पल्लवी त्यागी। इस वक्त खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। को बता दें कि इस वक्त भारत और श्रीलंका का मैच चल रहा है जो बेहद रोमांचक नजर आ रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा की धुआंधार पारी इसमें देखने को मिल रही है।
आज मौसम बहुत सुहाना है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ इंडिया गेट पर। आपको बता दूं कि आज दिल्ली का तापमान मात्र 38.6 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हिंदुस्तान के जो यूथ है उसको बहुत ज्यादा प्रेरित किया है, बहुत ज्यादा पसंद किया है लाखों करोड़ों दिलों ने इन्हें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतन भगत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। संतुष्ट हैं आप अपने अपनी परफॉर्मेंस से? संतुष्ट तो हूँ। दावेदारी ठोकती हो? तभी यहाँ खड़ी हूँ सर, बिल्कुल ठोकती। थैंक यू। थैंक यू। चलिए विशाल कालराज आइए। सबसे पहले तो विशाल कालरा, आप अपने सफर के बारे में बताइए। देखा स्टार एंकर हंट का टेलीविजन पर एड, देखा तब ऐसा लगा कि हाँ शायद ये वही चीज है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। ऑडिशन में जब गया तो वहां बहुत सारे लोग थे जो जर्नलिस्ट थे, फिर वही चीज दिमाग में आई कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑडिशन क्लियर करने के बाद ये पूरा यकीन हो गया कि अब तो मैं डेफिनेटली इसे क्लियर कर ही दूंगा। मेरे ख्याल से मैं अपना कर्म कर चुका हूँ और सिर्फ एक कदम दूर हूँ अपनी मंजिल से। देखना है कि मंजिल मुझे मिलती है नहीं, मैं एंकर बनता हूँ या नहीं। चलिए विशाल, देखते हैं आपका रिपोर्ट कार्ड। जी नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल कालरा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। आम आदमी एक बार फिर होगा महंगाई की चपेट में। जी हां, क्योंकि एक बार फिर बढ़ने जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। भोपाल गैस कांड में हुआ नया खुलासा, राज्य सरकार ने ही बचाया था वॉरेन एंडरसन को। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड की एक बेहतरीन अदाकारा टिस्का चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत की। नमस्कार टिस्का जी, स्वागत है आपका टिस्टा न्यूज में। बाकी की कंटेस्टेंट्स के मुकाबले में आप में ऐसा क्या खास है? मेरे ख्याल से आपका काम बोलता है, आप शब्द जितने भी इस्तेमाल कर लें वो नहीं बोल पाएंगे, आपका काम ही बोलता है और मेरे ख्याल से मेरा काम बोल रहा है। थैंक यू। अगली कंटेस्टेंट है सहर। कैसा रहा आपका यहाँ तक का सफर? छोटे से शहर से हूँ जहाँ की जो सोच थी लोगों की बहुत सीमित थी, फिर यहाँ आई, स्टार एंकर हंट का ऑडिशन दिया, आगे बढ़ती गई, कई लोगों को पीछे छोड़ा, आगे और मुझे काफी मुकाम हासिल करने हैं और मैं प्रूफ करके रहूंगी अपने आप को। आपका रिपोर्ट कार्ड देखें। बिल्कुल। हाँ, लाहौर एक बार फिर से आतंकवादियों का निशाना बना है। बारिश का मौसम और शुरू हुआ लोगों का घूमना, और घूमने के नाम से सबसे पहले जहन में नाम आता है इंडिया गेट का। खुफिया सूचना मिली थी कि 35 नक्सली गिदनी और झाड़ग्राम स्टेशन के आसपास जमा है और आने वाली ट्रेनों को उड़ाने की फिराक में है। इन दोनों लड़कियों के ऊपर आपको क्यों चुना जाए? वेल, मैं सोचती हूँ आई एम ब्यूटी विद ब्रेन, और उसके साथ ही मुझे लगता है कि मेरे में समझ अच्छी है, चीजों को समझती हूँ मैं, अलग करने का जज्बा है, अलग कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहूंगी, अपने में अलग ही कुछ चीजें देखूंगी। थैंक यू सर। और अगले कंटेस्टेंट हैं मिस्टर मान। बताइए जरा अपनी जर्नी के बारे में। मैं पंजाब के छोटे से शहर भटिंडा से आया हूँ। पिताजी आर्मी से थे और दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा थी कि फौज में जाऊं और एक ऑफिसर बनूं। लेकिन जब स्टार एंकर हंट के बारे में पता चला, उसी दिन वो एडवर्टाइजमेंट काट कर अपनी अलमीरा के पास चिपकाई और वाइफ को बोल दिया था कि ये पहली चीज है जो मैं अपने रूम में चिपका रहा हूँ और तुम देखना मैं जीत कर आऊंगा। तो देखें आपकी रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर जो हमारे पास आ रही है मायावती की। माया की यहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए सरकार चलाते हैं और वो फैसले लेते हैं जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं। भोपाल गैस कांड पर शुरू हुई राजनीति, जांच कमेटियों का हुआ गठन। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक विस्फोट की सूचना मिली है और पता चला है कि वहां पर 20 मौतें हो चुकी हैं। मान साहब,
जी। आप कहोगे कि ये जो अब तक आया है और बाकी लड़कों के मुकाबले आपका बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट। कैसे मैं आपके दावे को मान लूं कि आप स्टार एंकर बन सकते हैं? मेरे जो सहयोगी हैं, उनसे नॉलेज वाइज मैं काफी अच्छा हूं। आवाज एक जो चाहिए होती है दर्शकों को आकर्षित करने के लिए। थैंक यू सो मच। जजेस बहुत दुविधा में हैं, हम लोग एक मत पे नहीं पहुंच पाए हैं। पर कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। हमेशा प्रिपेयर रहना हो तो चेहरे को दीजिए डेली इग्निट वैसलीन में, बी प्रिपेयर्ड। मैक्रोमैन प्रीमियम इनर्स, लिव लाइक अ मैक्रोमैन। आमन साल में 76 घंटे बाल बनाने बिताते पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली एक मिनट वैसलीन मेन लगाने। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। डॉलर क्लब बिग बॉस प्रीमियम बेस्ट फिट है बॉस। पीपी डिजाइन एस्टेट, अगर सीमेंट संगरोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र संगरोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा संगरोधक सीमेंट। आमन साल में 30 घंटे ब्रश करने में बिताते हैं पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली एक मिनट वैसलीन मेन लगाने। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। India's largest university offers India's largest scholarship scheme, 600 acres campus. Lovely professional university, transforming education, transforming India. Easy children. Ooh, easy children. Ji ha, Microtech inverter hai. तो सब चले बेफिकर। मेरा किराएदार राहुल नया फोन लिया है, हाईटेक। 2% की आमदनी नहीं, चला 2 सिम लेके। लोग जलेंगे, कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। हाईटेक मोबाइल, कुछ तो बात है। Revolutionary LED TVs from Higher. Join the game. अरे लखनऊ से कानपुर कोई घूम नहीं जाता है? जब न पैसों की कमी हो न समय की तो आवारा गर्दी तो होगी ही। Max New York Life Pension Plans. रिटायरमेंट हो तो ऐसा। बदलिए इनोवेयर, हेल्दी बनिए टीटी हेल्दी इनोवेयर। Create fun wherever you go with the Lenovo IdeaPad Y series notebooks powered by the 2010 Intel Core processor family. Not just faster, smarter. Lenovo presents an exclusive offer for students. Get cool accessories for just ₹749 with Lenovo Y series notebooks. Lenovo. Aman, saal mein 30 ghante brush karne mein bitate hain par bhool jate hain sabse important taiyari, unka chehra. मैं बिताता हूँ डेली एक मिनट वैसलीन मेन लगाने। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। मुंबई फिर से दहल उठी। आतंकवादियों ने आज रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और हमारे 5-स्टार होटलों का निशाना बनाया। राजनीति में पाटंतर के सामने तुम अभी बच्चे हो, बच्चे। ये है हमारे देश की और हमारी सेवा करने वाले नेताओं की असलियत। और हम ही इन्हें विधानसभा और संसद भेजते हैं, इन्हें पावर देते हैं और उसी पावर को सुपर पावर बनाकर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। G5!
5. Y Generation Mobile Technology. Now say, give me 5 for a better life. मंगलायतनो हरिचंदनम माता नहीं है दाढ़ी बनाना कटी छली तू बोरू प्लस लगाना जाके बसला ए बच्चे को चुप कराओ नैपी रैश पे बोरू प्लस लगाओ चंदन तुलसी और नीम जैसे 10 आयुर्वेदिक तेलों का सही बैलेंस बोरू प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम अगर सीमेंट संगरोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र संगरोधक सीमेंट श्री अल्ट्रा संगरोधक सीमेंट When our chefs wake up on time, our kitchen works on time. When the hostesses wake up on time, they look oh so pretty on time. When our pilots take off on time, we get our work done on time. We become the world's most powerful economy on time. On time is a wonderful thing. Vaseline and present Star Anchor Hunt में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज की आखिरी कंटेस्टेंट मीनाक्षी कांडवाल मैं एक बात कहना चाहती हूँ आज पहली बार मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे इस टास्क के लिए बताने के लिए कि कैसा सफर रहा घर में सत्यनारायण की पूजा थी सत्यनारायण भगवान की पूजा थी पंडित जी पूजा कर रहे थे 8 साल की एक बच्ची उनके पास आई उसने उनसे पूछा कि आप ये तिलक क्यों लगाते हैं लाल टीका जो सर पे लगता है या आप हाथ में लाल कलावा क्यों बांधते हैं अमूमन उनके सामने कभी ऐसे सवाल नहीं आए थे और एक 8 साल की बच्ची ने उनसे सवाल पूछा तो वो थोड़ा सा शॉक्ड भी दिखाई दी है वो बच्ची आज आपके सामने खड़ी है मीनाक्षी कांडवाल इसी दौरान स्टार एंकर हंट आया मैंने स्टार एंकर हंट के प्रोमोज देखे मुझे लगा कि एक और रियलिटी शो आया है और मैं रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनूंगी मैं इसमें पार्ट नहीं करूंगी न्यूज के शो के साथ बाकी रियलिटी शो जैसा ड्रामा नहीं हो सकता अगर आप अच्छा गा लेते हैं नाच लेते हैं अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ये न्यूज में नहीं चल सकती आपके पास कंटेंट होना चाहिए आपके पास न्यूज सेंस होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए उसके बाद ही आप आगे पहुंच सकते हैं तो आपका रिपोर्ट कार्ड देखें नमस्कार आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मैं हूं मीनाक्षी कांडवाल और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर के साथ मैं सोच रही हूं कि इन गाड़ियों की बजाय मैं एक साइकिल ले लूं आप सोचेंगे गाड़ी से साइकिल वजह क्या है दरअसल वजह है दिल्ली सरकार की स्टेट एनवायरनमेंट रिपोर्ट हेंडरसन पर कांग्रेस ने घमासान दिग्विजय सिंह ने किया तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का बचाव लेकिन सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा राज्य सरकार की थी भूमिका इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई से मुंबई में एक क्रूज शिप जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर फंस गया है वहां से डिस्ट्रेस कॉल मिला है तो आपका क्या दावा है मीनाक्षी देश के वो लोग जो अपने लिए खुद खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकते मैं उनके लिए सवाल पूछ सकती हूँ तो जजेस इन 6 विनर्स की रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद क्या फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं? चेतन क्या कहते हैं कौन बनेगा स्टार एंकर बहुत मुश्किल है दीपक पर कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा तीनों जजेस बहुत दुविधा में हैं हम लोग एक मत पे नहीं पहुंच पाए हैं तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक टाई ब्रेकर राउंड करेंगे इस बोल में चिट्स पड़ी हैं आप लोग एक एक करके इन चिट्स को उठाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज देंगे उस टॉपिक के ऊपर क्लियर है आप मीनाक्षी कांडवाल इस टास्क के लिए मुझे टॉपिक मिला है मुंबई लोकल ट्रेन में बम धमाका नमस्कार आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई की लोकल ट्रेन में एक बम धमाका हुआ है फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस ट्रेन में यह हादसा हुआ किस रूट की लाइन है इस खबर पर हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे आप बने रहें स्टार न्यूज के साथ मीनाक्षी मेरे को आपका अच्छा लगा सिर्फ ये कहूंगा कि आपका मुंबई में लोकल में बम फटने के ऊपर था पर बाकी आपने ठीक ही बोला गुड गुरदीप सिंह मान इस टास्क के लिए मुझे टॉपिक मिला है प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्टार न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है याद रहे कि पिछले कुछ दिन पहले एक साल पूरा हुआ था यूपीए गवर्नमेंट की दूसरी पारी का और उसके ऊपर कई से आयोजन हुए थे किसी खबर पर बने रहेंगे और जानकारी देंगे देखते रहें स्टार न्यूज
आप मुझे लगा थोड़ा सा और फ्लो बेटर कर सकते, लेकिन ओवरऑल मुझे लगा थोड़ा सा रुक के बोल रहे थे, अदरवाइज अच्छा था। अगली प्रतियोगी है सहर। मुझे टॉपिक मिला है ठाणे में बारिश से इमारत गिरी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में, और इस वक्त की अहम खबर आ रही है ठाणे से। जी हां, मुंबई के ठाणे इलाके में भारी बारिश के कारण एक इमारत गिर गई है और इसमें कई लोग इसमें मौजूद थे, और क्या जानमाल की कितनी हानि हुई है अभी इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। जानकारी आपको हम पल पल में देते रहेंगे, आप फिलहाल बने रहें स्टार न्यूज के साथ। शहर आपका बहुत रेपिटेटिव था, थाने में बारिश की वजह से एक इमारत का गिरना, आपने उसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला। विशाल कालरा, मेरा टॉपिक है उमा भारती बीजेपी में वापस। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में, मैं हूं विशाल कालरा। इस समय की जो अहम खबर आ रही है वो ये है कि बीजेपी की नेता उमा भारती, जो बीजेपी को कुछ समय पहले छोड़ चुकी थी, उन्होंने बीजेपी में आने का ऐलान कर दिया है। इस खबर पर हम बने रहेंगे, आप बने रहिए स्टार न्यूज के साथ। आप बार बार बोल रहे हैं बीजेपी की नेता उमा भारती, मैंने भी नोटिस किया होगा, वो बीजेपी से निकाली जा चुकी नेता थे। थैंक यू। और अगली कंटेस्टेंट है पल्लवी त्यागी। मेरा टॉपिक है पटना में इंजीनियर के अगवा होने के बाद मौत। और ताजा खबर आ रही है कि पटना से एक इंजीनियर की अगवा करने के बाद मौत हो गई है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या वजह है। तुम लगातार इसमें बोल रही थी कि अगवा होने के बाद क्या हुआ, अगवा हुआ है तो फिरौती की मांग जब मौत लिखा हुआ है वहाँ तो होगी, अपहरण हुआ है, किडनैप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट है अक्षय शुक्ला। मुझे जो खबर मिली है वो खबर है IC212 इंदौर से हाईजैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि IC212 विमान जो है वो इंदौर से हाईजैक हो चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिर हाईजैक करने के लिए आतंकवादी या फिर जो भी उसके अंदर मौजूद है वो वहां तक पहुंचे कैसे। फिलहाल आपको बता दिया जाए IC212 विमान इंदौर से हाईजैक हो चुका है। अक्षय, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, गुड, थैंक यू। तो जजेस, क्या आप अब हमारे टॉप सिक्स की परफॉर्मेंसेस के बाद तय कर पाए हैं कि कौन जीतेंगे स्टार रैंक का खिताब? एक मिनट, अभी तो सरप्राइज बाकी है, ये मिलने जा रहे हैं किसी एक बहुत बड़ी हस्ती से। मौत का फैशन रात 9:30 बजे। हमेशा प्रिपेयर रहना हो तो चेहरे को दीजिए डेली एडमिट वैसलीन में, बी प्रिपेयर। मैक्रोमैन प्रीमियम इनर्स, लिव लाइक अ मैक्रोमैन। आमन साल में 76 घंटे बाल बनाने बिताते हैं, पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली एक मिनट वैसलीन मेन लगाने। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर। बटन खुला आपका, फिट है बॉस। Don't look like boss, bring it best। गर्मी में क्या आप दो अलग पाउडर खरीदते हैं, एक टैल्कम और दूसरा गर्मी की समस्याओं के लिए? आपको चाहिए इजगार्ड पाउडर, ये पसीना सोखे, घमौरियों और रेडनेस से आराम दिलाए और स्किन इन्फेक्शन से लड़े। आजमाइए इजगार्ड पाउडर। आमन साल में 30 घंटे ब्रश करने में बिताता है, पर भूल जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली एक मिनट वैसलीन मेन लगाने में। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर। अब बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
When our chefs wake up on time, our kitchen works on time. When the hostesses wake up on time, they look oh so pretty on time. When our pilots take off on time, we get our work done on time. We become the world's most powerful economy on time. On time is a wonderful thing. Ma'am, same cost mein battery double se zyada chalegi agar battery Okaya tubular hogi to. Life double, no trouble. Aman, saal mein 30 ghante brush karne mein bitata hai. पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बताता हूँ डेली एक मिनट वैसलीन मेन लगाने में। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। ऑल इट टेक्स इज दैट वन मोमेंट व्हेन डिफरेंसेस आर फॉरगॉटन, व्हेन वर्क कैन वेट। ऑल इट टेक्स इज दैट वन मोमेंट इन टाइम टू यूनाइट द वर्ल्ड एज वन। When everything depends on one moment, depend on a Panasonic Viera. Its 600 Hz subfield drive captures sports better than ever before. Panasonic, ideas for life. Badaliye innerwear, healthy baniye. TT Healthy Innerwear. Har badalte aaj mein, maine kal ko dekha hai. Nakshe ko hakikat bante dekha hai. Gaon se shahar, shahar se desh, desh se jahan ko judte dekha hai. मैंने कल को देखा है, हर किनारे पे पुल उड़ते देखा है, नींव को इमारत बनते देखा है, मैंने कल को देखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट। आमद साल में 76 घंटे बाल बनाने बिताते हैं, पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली एक मिनट वैसलीन मेन लगाने। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। Some people are just so worried, everything seems to scare them. They try and protect themselves from every virus except the really dangerous viruses on the PC. Well, it is so easy. Only buy a PC with original Windows 7. Get Microsoft's latest antivirus, which protects your PC from virus attacks and keeps you safe and secure for life. मैं डायबिटीज हूँ। मैं हृदय रोग हूँ। मैं ब्लड प्रेशर हूँ। मैं जोड़ों का दर्द हूँ। हम हमला करेंगे। घबराइए नहीं, सही दिनचर्या अपनाइए। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में व्यायाम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें, मानसिक तनाव दूर रखें। भाई 7-8 घंटे सोएं, फिर इन बीमारियों से कहें क्या हाल। स्वस्थ ही जीवन है, स्वस्थ रहो मस्त रहो। With on-the-spot solutions. At NIT, we believe there's a professional in you. All you need is NIT's training to be in demand by top companies. कमाल के शौकीन हैं हमारे नवाब साहब। अखबार पढ़ेंगे तो इस्त्री करवा कर छोटी छोटी खुशियाँ बड़े बड़े डब्बों में मंगवाते हैं। अच्छा, एक और शौक है इनका, तो क्या था वो? पान विलास, पान मसाला, जो है मैक का फ्री। कोई शौक बड़ी चीज है। अब सामग्री से जुड़े मामलों में दर्शकों की शिकायतों का निवारण हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग इन करें। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, केयर ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली, द्वारा जनहित में जारी। ये है स्टार। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। आपको रखे आगे। तो जजेस
कि आप अब हमारे टॉप सिक्स की परफॉर्मेंस के बाद तय कर पाए हैं कि कौन जीतेंगे स्टार एंकर का खिताब। एक मिनट, अभी तो सरप्राइज बाकी है। ये मिलने जा रहे हैं किसी एक बहुत बड़ी हस्ती से। वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जरूर आपके दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी। क्रॉस योर फिंगर्स, क्योंकि हमारी टास्क शुरू होने वाली है और हमारी टास्क होगी आप तमाम प्रतियोगियों को लालू जी से एक एक सवाल पूछना है और उसके आधार पर और आपके पुराने परफॉर्मेंस के आधार पर इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि कौन होगा स्टार एंकर। सबसे पहले शुरू यहाँ से करेंगे जी सर। पल्लवी त्यागी, नमस्ते सर। मैं पल्लवी त्यागी दिल्ली से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्टार न्यूज ने एक खुलासा किया था कि गुजरात सरकार को कोसी बाढ़ राहत से जुड़ा पैसा ये कहकर लौटाया गया कि पर्याप्त पैसा है यहाँ पर, साथ ही साथ लोगों को सहायता भी मिल चुकी है, लेकिन स्टार न्यूज की टीम ने जब मधेपुरा का दौरा किया तो हालात बिल्कुल उलट थे। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार कोसी बाढ़ को लेकर देश और प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, स्टार न्यूज ने जो खुलासा किया, भंडाफोड़ किया है जिसको, ये देश भर के लोग, जितने भी सरकारें हैं, एनजीओ है, सभी लोगों ने कोसी में जो सैलाब आया और जिसके साथ नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, जो गुजरात गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री के विषय में जो बात आई है इसमें, तो गुजरात सरकार ने भी 5 करोड़ रुपया दिया था। तो भूज में जो अर्थक्वेक हुआ था पहले, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार में, 11 करोड़ रुपया बिहार सरकार से हम लोगों ने दिया था। आज जो हालात है कोसी में, खुली आसमां के नीचे बालू का, हजारों एकड़ जमीन में बालू भरा पड़ा है और देश के लोगों ने पैसा दिया, साधन दिया, और गुजरात का ये पैसा नहीं था, ये पैसा था गुजरात के महान जनता का, नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं था। स्टार न्यूज ने जो इस बात का खुलासा किया, ग्रास लेवल से लेकर के जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, सब लोगों का जो ब्याह कर रहे थे दिया, अच्छी बात है। और वो अब नीतीश कुमार की सरकार ने स्वीकार किया कि पैसे की जरूरत नहीं है, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर पर लगातार ये लोग अटैक करते हैं कि दिल्ली हमको पैसा नहीं दे रहा है और ये पैसा बचा रहा और 20 करोड़ का जो सामान 2 ट्रेन में भर के सामान गया वहाँ, नरेंद्र मोदी ने हरा झंडी दिखा के बिहार के लिए रवाना किया और वहाँ सुशील मोदी जो उनके पार्टी के हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो ये मजाक किया जा रहा है वहाँ, आज भी हालत बद से बदतर है लोगों का। तो क्या आप मुख्यमंत्री होते तो आप नरेंद्र मोदी के सहायता का पैसा नहीं लौटाते 5 करोड़ रुपए? क्यों लौटाते हम? 2 करोड़ का समा, 2 ट्रेन जो गाड़ी भर के गया विज्ञापन के साथ, उस समय कहाँ सोए हुए थे नीतीश कुमार? सवाल यहाँ है कि हाथ मिलाया, नरेंद्र मोदी ने बायां हाथ फैलाया और नीतीश कुमार ने दायां हाथ से पकड़ा। अब ये बात जब पब्लिश हो गई तो सेकुलर बनने के लिए ये सब सारी बातें हो रही, जब हम लोगों ने चार्ज किया कि देखो इनके साथ बैठे हैं कैसे गोद में, ये जो डैमेज हुआ है, डैमेज कोई हुआ है, कोई जानबूझ के किया, ये खुद हाथ मिलाए सरकार उनके सहारे है, ये एक्सपोज हो गया, फंडाफोर हो गया, तो बोलते हम पैसा लौटा दिया। पैसा लौटाने से या हाथ काट के फेंक देने से वो बात खत्म हो गया क्या? ये तो अब क्यों आ रहा है जब 3 महीना बिहार की असेंबली बचा हुआ है, नरेंद्र मोदी उस समय तक पैसा दिए, सारी चीज 2 ट्रेन सामान दिया, गुजरात से आया, गुजरात से
पाकिस्तान में भी अगर कोई बात होगी तो हम भारत के लोग वहाँ मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। ये तो बहुत छोटा काम किया है इन लोगों ने। हवा जो है इस समय बिहार में नीतीश कुमार की है। अगर बात की जाए चुनावों की तो इस बार बिहार की जनता को जीतने के लिए आपके पास क्या खास होगा, चाहे फिर बात कांग्रेस के साथ गठबंधन की ही क्यों ना हो? नीतीश कुमार का हवा निकला हुआ, उसी को वो रिपेयर करने के लिए सब कोशिश हो रही है। लालू पोविया, लालू यादव, अरे बाबा रे लालू यादव बैठा हुआ, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं बिहार में। सब चाहे कांग्रेस से हाथ मिलावे कहीं मिलावे, अब वो जाना है और हमको आना है। ठीक एक साल पहले, एक साल हुआ है लोकसभा चुनाव हुए, आप बुरी तरह वहां पर पराजित हुए और नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन भारी सीटों से वहां पर जीता। एक साल में तो कुछ नहीं बदला? देखिए बदलने का सवाल नहीं है, देश ये जो प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी, सारे अफसर ब्यूरोक्रेट जाना शुरू किया अडवाणी जी का, देश भर के माइनॉरिटी के लोगों ने अडवाणी जी को और उनके कृत को पसंद नहीं किया। और मैंने कहा था कि लाल कृष्ण अडवाणी के जन्म कुंडली में लिखा है, नहीं प्रधानमंत्री के ऊपर। ये जो भारतीय जनता पार्टी या जो फंडामेंटलिस्ट है, लाल कृष्ण अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार में वोट मिला और 10,000-5,000 से हम पार्लियामेंट में हम लोग पराजित हुए, चार आदमी आए हम लोग जीत गए। उल्टा गया जो हमारे वोट बैंक थे, वो वोट बैंक दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, लोगों को पछतावा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बन गई, कमर तोड़ महंगाई है, जब से कांग्रेस आई है तब पछता रहे हैं लोग। अब तो चार कम नहीं होता है दीपक जी, चार ही आदमी अंत में घाट पर पहुंचाता है, राम नाम सत्य है, तो कम नहीं है। अब लोग फिर आएंगे। क्या आप एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या राबड़ी देवी बिहार से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे? अभी देखिए हम ज्यादा आजकल बोलते नहीं हैं, जीभ बोलवा देता पीठ पिटाता है, जीभ सटक जाता, ये कोई इशू नहीं है हमारे लिए। जिसको बनना है फिक्स है, तय है, वहां से दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर से बिहार की राजनीति में जाएंगे? इसमें हमें कोई खामी है क्या? फिर से मुख्यमंत्री होंगे? इसमें क्या होगा, फिर से इस तो अप डाउन होता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। रेल चला के दिखा दिया ना, अब वो रेल कहाँ जा रहा है? अभी रिवर्स गियर में जा रहा है। तो जैसे रेल को हम शैम्पू से धो धा के ठीक किया तो बिहार को आसानी से, हमको राज कहाँ करने दिया लोगों ने? वहाँ राज हमारा छीना। आज जिन लोगों ने बैठाया नीतीश कुमार को, आज वही विक्टिम बने हुए हैं। बताओ स्वाभिमान रैली, स्वाभिमान रैली किस बात का स्वाभिमान? बीजेपी का स्वाभिमान रैली हुआ, नीतीश कुमार होस्ट थे, सबको भोजन पर बुलाए थे, वहां न्योता दे के पतल खींच लिया, किस बात के बीजेपी के स्वाभिमानी लोग हैं। चलिए नेक्स्ट कंटेस्टेंट। जाति आधारित जनगणना जो है, आपको नहीं लगता कि ये जातिवाद को बढ़ावा देगी? देखो भाई सदा जी, शेर की गिनती हो गई, टाइगर की गिनती हो गई, लायन के, मोर का गिनती हो गया, हाथी का गिनती हो गया, घोड़ा का गिनती हो गया, सारा गिनती पशु पक्षी का हो गया और आदमी का गिनती काहे नहीं होगा? हम जब जात नहीं, जाति जाति क्यों, व्हाई नॉट, ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो मंडल विरोधी लोग थे, जबकि कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाई नहीं है। इस देश में कितने ब्राह्मण भाई हैं, कितने राजपूत भाई हैं, कितने त्यागी भाई हैं, यादव जी लोग कितना है, कोयली कुशवाहा भाई कितने हैं और दलित भाई हमारे कितने, गिनती करो, काउंटिंग करो। अब ये फालतू दिल्ली में बैठ के चंद लोग गलत बकवास करते हैं, देश टूट जाएगा,
देश तोड़ने वाले लोग और देश को गुलाम बनाने वाले लोग इस तरह की बात बोलते हैं। तो हमारे सामने जो इंटरव्यू लेने आते हैं, सच बोल मैं बोलूं, आधा तो उनका दम निकल जाता है। मौत का फैशन रात 9:30 बजे। स्टाइल डिस्प्ले सब विदा डॉलर क्लब मिडास प्रीमियम ब्रीफ्स। बेकहम डिड नॉट गेट अ रेड कार्ड इन द 98 वर्ल्ड कप। डूड, ही वाज फाउल्ड, सो ही किक्ड दैट प्लेयर। Everyone knows it was in that match against... Against who? Why give away football gyan? Use it on Airtel to win a trip to the country you support. Just SMS goal to 54321. Hi, how are you? I said, doctor, you don't need a doctor. I said, you don't need a divorce. Huh? Hi. I said, you don't need a divorce. Your youth will come back. सभी भातों के लिए मैं आभार, सबके लिए मुस्लिम पावर का आभार मान। मुस्लिम पावर एक्स्ट्रा, सारे परिवार के लिए एक अतीत क्षण। गर्मी के साथ साथ टेंशन भी उड़ा दो। हिमगंगे आयुर्वेदिक ठंडा पे दिमाग रहे कूल, गर्मी जाओ भूल। मेरा किराएदार राहुल नया फोन लिया है, हाईटेक। 2% की आमदनी नहीं, चला 2 सिम लेके। लोग जलेंगे, कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। हाईटेक मोबाइल, कुछ तो बात है। हाँ बोल। कोई प्रोटेक्शन बिना पहले बताओ कब हुआ? क्यों चांस ले रही है तू? प्रेग्नेंट हो गई तो सीधा अबॉर्शन। आई पिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 72 घंटों के भीतर एक गोली अनचाही प्रेगनेंसी रोक सकती है। अबॉर्शन से अच्छा है प्रेगनेंसी को रोकना। ये बैग आपका है? नहीं नहीं, मेरा नहीं। फिर किसका है? हाँ, शायद मेरा। अरे इंस्पेक्टर मिश्रा, मिस्टर बैंकर, better safe than sorry, my friend. Cities are becoming a lot safer with security solutions from HCL, technology that touches lives. Mom, water. अभी लाती हूँ। हम सिर्फ मिनरल वाटर ही पीते हैं। अपना मिनरल वाटर। नया नोकिया 2690 8GB मेमोरी के साथ अब दिखाओ ज्यादा फोटोज, सुनाओ ज्यादा गाने, दिखाओ ज्यादा वीडियोस। नोकिया 2690, दिखाओ अपना स्टैंडर्ड। तुम बहुत खूबसूरत हो। वाओ। हम हमेशा साथ हैं, ये फील्ड या वो फील्ड। दोस्ती का नंबर वन स्पिरिट मैकडॉनल्ड्स नंबर वन सोडा। मीनाक्षी कांडवाल, हम जानना चाहते हैं आप महिला आरक्षण बिल के खिलाफ क्यों हैं? हम 90% महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में। बिल की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? मुखालफत कर रहे हैं कि आप 90% कर दो महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी। नरेगा में जो महिला मट्टी धो रही है और सूप में चावल फटक रही है, ये भारत की बेटी। इन बेटियों को लाओ। 3 इलेक्शन के बाद एक भी पुरुषों के लिए असेंबली और पार्लियामेंट में स्थान रिक्त नहीं रहेगा, तो पुरुष लोग क्या करेगा? सर, अगर आपको किसी फिल्म में हीरो का रोल मिले तो आप किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? किस हीरोइन के साथ? अब ये तो सर्वे करो हीरोइन लोगों से। आपकी कौन सी पसंदीदा हीरोइन होगी? नहीं देखिए, आपको अब वो काम नहीं करना जो फेमस बहुत हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं तो हम भी देखते रहते हैं लोगों को। फिल्मों के बारे में क्या ख्याल है? फिल्म में काम करने का जो था, राजनीति से हमको फुर्सतें नहीं है। अब कोई चाहेगा तो हम वहाँ भी ठीक से सुधार कर देंगे। तो लालू जी कौन होगा फिर भी, एक गेस करें। कैटरीना कैफ, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय। ऐसा ऐश्वर्या राय उनके चक्कर में मैं फिल्म देखता भी नहीं हूँ। जिसका चोपड़ा जी बैठी है, अब इनके सामने कौन हीरोइनों का हम प्रशंसा करें, ये नाराज हो जाएगी। ये तो हिम्मत करके आई है ना भाई। हाँ, ये तो प्रशंसा के पात्र है। आई कंग्रेचुलेट यू। और फिर आपको अभी ये है बीजेपी में जो एमपी है हेमा मालिन। अब हेमा मालिन
मोस्ट रिलीजियस और जिनके रोल को इनके काम को हमने देखा यहाँ, हेमा मालिन और मेरे संबंधों के मामले में खालसू का बकवास किया कि लालू ऐसा वैसा बोलता है कि रोड ऐसा वैसा बनाए। नहीं, आपने बयान दिया था लालू जी। बयान मैंने नहीं दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये चुटकी लिया था, वो अटल जी ने। नहीं, लोग कहते हैं आपने बयान दिया था कि आप बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। आप जो और शत्रुघ्न, मैं गार्डेड लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि आपने बिहार की सड़कों को ओमपुरी का गाल बना दिया। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, अटल जी, आदरणीय अटल जी ये सब आनंद लेते रहते थे, अपना बात मेरे मुंह में डाल के छपवा दिए। मैं कंट्राडिक्ट करके आपने मुझे बताया था कि आपने स्टूडेंट जमाने में हॉस्टल से भाग के फिल्म देखी थी। नहीं, छवाना में जो फर्स्ट क्लास आगे रहता था ना, वो जमीन पर बैठने वाला, यही बताया था आपने। तो वैजयंती माला और दिलीप कुमार का गंगा जमुना मैंने देखा था वो उस समय। अब इस समय सच बताऊं कि मैं ये सब देखता मैं नहीं। लालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे तमाम कंटेस्टेंट के सवालों के जवाब दिए। रूप, इट्स ओवर टू यू। रूप, उससे पहले इन सबको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली आज, लालू जी लाइव इन्हें मिले, आपको क्या दिल से लगा? तो मुझे आपसे रूबरू होके ये तो मालूम था ही कि जो भी मैं सवाल करूंगी उसका जवाब मुझे मिलेगा, और उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में आपका इंटरव्यू भी लूं। लालू जी से मिलने का मौका मिला, शायद ये सचमुच एक सपने के साकार होने जैसा। धन्यवाद। लालू जी से मिलने के बाद हाँ पता चला कि नहीं, वो दिल से जवाब देते हैं। एक शब्द में कहना चाहूंगा, उम्दा। आपका इंटरव्यू लेने में आपके घर बार बार आता रहूंगा। देखो, हमारे सामने जो इंटरव्यू लेने आते हैं, सच में बोलूं, आधा तो उनका दम निकल जाता है, लेकिन आप लोग सब पास हो गए। आप लोगों को कोई आगे हटेल ही नहीं है, कोई अब आगे नहीं रोक सकता है। हम तो स्टार परिवार से अपील करेंगे कि सबको रख लीजिए अपना एंकर करो। आज बहुत वक्त हो गया है पिछले कुछ महीनों से इन सभी कंटेस्टेंट्स के साथ जुड़े रहने के बाद, मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ, और वो ये कि स्टार एंकर का खिताब जीतना इन सभी के लिए एक सपने के साकार होने के बराबर है। और आज यहाँ इस मंच पर वाकई किन्हीं दो कंटेस्टेंट्स के सपने होंगे साकार, और ये फैसला करेंगे हमारे जजेस। तो जजेस, क्या तैयार हैं विनर्स अनाउंस करने के लिए? सहर अहमद, आप आगे आइए। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें में कमी रह गई, कुछ प्रिपरेशन में लगा कि और वेल राउंडेड हो सकते थे, इसलिए मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सहर आपको जाना पड़ेगा। वेल डन सहर। वेल डन सहर। और मेल्स में से गुरदीप सिंह मान। गुरदीप जी, आपका पर्सनालिटी में जो सिंसेरिटी है, जो सच्चाई है, वो बहुत ही अपीलिंग है, लेकिन जो पंजाबी टच हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो लहजा है एक हिंदी चैनल का जो होना चाहिए, वो अभी तक परफेक्ट नहीं कर पाए आप। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो वो जरूर हो जाएगा, बट आज आपका सफर यही खत्म होता है। अब मैं चारों कंटेस्टेंट से कहूंगा कि आगे आ जाएं। और अब वक्त है जिसका आप सबको इंतजार था, और इन चारों को तो पूरी तरह से इंतजार था, और अब वो घड़ी आ गई है जब इनका फैसला लिया जाएगा। देश की पहली स्टार फीमेल एंकर हैं मीनाक्षी कानवाल। सरकार को एक बड़ी चुनौती देते हुए पार्लियामेंट में कट मोशन लेकर आई। अपना कॉन्फिडेंस साथ में, बाकी वहाँ जो होगा ऑन द स्पॉट देखा जाएगा।
बुलेटिन की शुरुआत में ले चलते हैं आपको नैनीताल की वादियों में। इंडरसन पर कांग्रेस में घमासान, दिग्विजय सिंह ने किया तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का बचाव। मेरा सवाल ये होगा कि बीसीसीआई के साथ वो लिंक थे, उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे क्यों लीक करी? दिस इज द पॉइंट। हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत मिस कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। मैं एंकर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं एंकर बनना चाहती हूँ। और देश के पहले स्टार एंकर मेल हैं अक्षय शुक्ला। मंजिल के इतने करीब पहुंच जाएंगे। अक्षय शुक्ला, लिख दे हवाओं में कोई नहीं दास्तां। अब मैं तैयार हूँ, बोले तो बस इंतजार है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं अक्षय शुक्ला। आपको लिए चलते हैं जिम्बाब्वे, जहां पर इंडिया का मैच चल रहा है श्रीलंका से। दिल्ली के एक पार्षद के पति का पुलिस वालों से भिड़ना महंगा पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक गैस त्रासदी यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश के जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। वेरी गुड। जिंदगी में दस्तक दी तो दिल की सब खिड़कियां खुल गईं। झकास, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, सुपर्ब, ऐसा लग रहा है बहुत। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। विशाल, टुडे अक्षय वॉज बेटर प्रिपेयर्ड देन यू एंड सो ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टार एंकर। Be prepared for the next time. Our sponsors Vaseline have a special gift hamper for you so that you're prepared always. And you know how well you've done. So I'm very, very proud to give you this. Pallavi, you were excellent. You know that. और अब मैं लालू जी से रिक्वेस्ट करूंगी, उनसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज सर आप आए और हमारे जो ये दो विजयी कंटेस्टेंट हैं उनको ट्रॉफीज प्रदान करें। और अब बारी है स्टार न्यूज के उस खास कॉन्ट्रैक्ट की जिसके हकदार हैं हमारे आज के दोनों विनर्स मीनाक्षी और अक्षय। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टार न्यूज के एडिटर मिस्टर शाजी जुमान से, प्लीज सर आइए और कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे दोनों विनर्स को अपने हाथों से दें। लालू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टार न्यूज। और अब बारी है हमारे फर्स्ट रनर्स अप को ट्रॉफीज देने की। और फर्स्ट रनर्स अप को ट्रॉफीज देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टार न्यूज के एस्टैब्लिश एंकर सिद्धार्थ शर्मा को। सिद्धार्थ, प्लीज कम एंड डू द ऑनर्स।
यहाँ पर वापस बुलाना चाहूंगी गुरदीप सिंह मान और सहर अहमद जो है हमारे सेकंड रनर्स अप, और साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी अदिति सावंत को जो स्टार न्यूज पे एंकर भी हैं। अदिति प्लीज कम ऑन द स्टेज और आकर हमारे सेकंड रनर्स अप को आप प्लीज ट्रॉफीज दें। देश के पहले स्टार एंकर्स के लिए अब बारी है एक खास तोहफे की। जी हाँ, बारी है फोर्ड फिगो कार की, और इस गाड़ी की चाबी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे मिस्टर लक्ष्मी राम कुमार को, हु इज द जीएम ऑफ सेल्स नॉर्थ फोर्ड इंडिया। आपको ये बता दें स्टार एंकर हन 2011 की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो अगर आप बनना चाहते हैं अगले स्टार एंकर्स तो लॉग ऑन करिए www.starankerhunt.com पर और रजिस्टर करिए अपना नाम।